नमस्कार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग की ओर से मैं नीता देवड़िया आपका पुनः स्वागत करती हूँ। आज का जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं वह हठ प्रदीपिका के 15 आसनों में से लिया गया शवासन है और यह अभ्यास सबसे सरल अभ्यास व विश्रांतिकारक अभ्यास है, जिसमें आप सामान्य रूप से विश्राम की स्थिति में आते हैं। तो प्रत्येक अभ्यास के बाद आप जब लेट कर विश्राम करते हैं तो प्रायः शवासन में ही किया जाता है। यह शवासन भी एक अभ्यास है जिसमें आप विश्राम कर सकते हैं। अभ्यास करने से पूर्व मैं आपको कुछ सामान्य सावधानियां व इसके लाभों की चर्चा करूंगी। इस अभ्यास को करने के लिए कुछ विशेष सावधानी नहीं है, परंतु फिर भी यदि जिन्हें डॉक्टर के द्वारा ऐसा परामर्श दिया गया है कि वे नीचे लेट कर अभ्यास नहीं करेंगे, कमर की किसी प्रकार की गंभीर समस्या है, तो वे पूरी सावधानी रखें, इस आसन को ना करें। अन्यथा सामान्य स्थिति में आप यह अभ्यास कर सकते हैं। शवासन की स्थिति सामान्य रूप से लेट कर आप करते हैं। इनके जिन लाभों का वर्णन हठ प्रदीपिका में किया गया है, यह अभ्यास शरीर को शिथिल करने वाला, थकान दूर करने वाला और मन को शांत करने वाला अभ्यास है। आज वर्तमान स्थिति में इस आसन के कुछ अन्य लाभ भी आए हैं, जो कुछ रिसर्चिस के द्वारा यह सिद्ध हुआ कि यह अभ्यास मानसिक रोगों के लिए काफ़ी अच्छा अभ्यास है। मन को शांत करने के लिए, जैसा कि स्वामी स्वात्माराम जी ने बताया, यह अभ्यास अच्छा है। तो चिंता, तनाव, अनिद्रा को दूर करने वाला यह अभ्यास मनस्थिति को शांत करता है। तो आइए इसे किस प्रकार करना है हम एक बार देखें। शरीर में आपकी बहुत अधिक थकान होती है तब भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान दें, लेटते हुए आप वायु और करवट लेंगे और भूमि पर शव के समान शरीर को ढीला छोड़ते हुए, पैरों में सामान्य दूरी बनाते हुए, पंजों को ढीला छोड़ते हुए, हाथों की हथेलियों को बाहर की ओर पलटते हुए बिल्कुल ढीला, संपूर्ण शरीर ढीला छोड़ते हुए शव के समान अच्छी जमीन पर लेट कर इसका अभ्यास करते हैं। पूरी सजगता आपके शरीर पर, शरीर की विश्राम की स्थिति पर रहेगी। इस प्रकार आप इसका अभ्यास करें।